सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ पनीर पकौड़ा बनाने की रेसिपी। वैसे भी मौसम भी बारिश का हो रहा है और इस मौसम में चाय के साथ या चटनी के साथ पकौड़े मिल जाएं गरम गरम तो बात ही कुछ अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में आपको पकौड़े बनाने हैं उस हिसाब से पनीर ले लीजिए और इस तरह से पीसेस में काट लीजिए। आप किसी भी शेप में काट सकते हो। तो मैं ये पनीर को काट लेती हूँ कुछ इस तरह से। तो पनीर तो मैंने काट लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। बाउल लेना है। बाउल में मैंने ये टोमेटो सॉस लिया है, आप चाहे तो अदरक ले सकते हैं, अदरक पिसा हुआ अदरक। मेरे यहाँ पे कुछ लोगों को अदरक का टेस्ट पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था एंड हींग भी ऐड की थी। मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, वो कैप्चर नहीं हो पाया, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने जो पनीर कट करके रखा था उसको हम इसी मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे। क्या है कि पकौड़े खाने में अंदर से बहुत सादा सादा नहीं लगेंगे, इसका एक अंदर से एक अलग फ्लेवर निकल के आएगा। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक बाउल में बेसन लिया है, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कलर अच्छा आएगा, चाट मसाला, टेस्ट अच्छा आएगा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हींग, हींग से भी टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, पहले थोड़ा पानी डालना है नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी पहले डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार है। अब हमें एक पनीर का टुकड़ा लेना है और इसमें डिप कर लेना है अच्छे से। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है अच्छे से। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़ा तलेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें एक पीस डाला है। और हाँ, आप ध्यान रखना, सावधानी से काम करना कि जब हम ये पनीर डालते हैं तो तेल एकदम से ऊपर की तरफ उछल के आता है, इससे मेरी फिंगर पे भी तेल लग गया था और मेरा हाथ जल चुका है। तो इसी तरह से हमें धीरे धीरे करके सारे पकौड़े डाल लेने हैं जितने इसमें आ जाएं। तो जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएं तब हम इसको पलट के सेकेंगे। तो ये देखिए, हमारे पकौड़े तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अलग। ये देखिए, क्या मन कर रहा है ना खाने का, बहुत टेस्टी है, बना के ज़रूर देखना। तो इसी तरह से हमें बाकी के पकौड़े भी तल लेने हैं एंड खा लेने हैं। और कौन सी रेसिपी आपको जाननी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं लेके आऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत कीमती है हमारे लिए और हमें बहुत खुशी भी मिलती है। और अगर आपने मेरी अभी तक मेरे चैनल पर और भी कुकिंग वीडियोस पढ़ी है वो नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर देखना। हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें।